हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग बहुपद पढ़े। अब आज जो है नया टॉपिक उसी के बहुपद के ही अंतर्गत आता है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पहला जैसे बहुपद बताया, तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइव ए एक्स प्लस सिक्स है, ये बहुपद है। बहुपद कब नहीं होगा? जब पावर इसके क्या हो, पावर निगेटिव हो, माइनस थ्री आ गया। अगर इसके पावर माइनस थ्री आ जाते हैं तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर इसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट एक्स लिख देते हैं तब भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए सबसे सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जो एक्स का पावर है वो निगेटिव ना हो और इसके पावर कभी फ्रैक्शन में ना हो। कोई भी इक्वेशन जो है वो बहुपद होगा। नंबर पहला क्या बताए थे, नंबर पहला क्या बताया गया था, रैखिक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी, तो एक्स बी इक्वल टू जीरो रख दिया तो इसके क्या होंगे, शून्य क्या हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू हम जीरो रख दिया वो उसके शून्य हो गए। अब इसको हल करें तो क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रैखिक बहुपद के शून्य हो गया। इसी तरह से नंबर दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो गया, ये इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। अगर इसके एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस बीटा, इसके दो शून्य है तो इक्वल टू जीरो हो गया। दोनों इक्वेशन क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो दोनों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा क्या होगा, ये नंबर पहला है। दूसरा क्या होगा, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इसमें क्या है, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, तो ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको जानना है, रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो उसकी वैल्यू जीरो रख देंगे, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद के शून्य ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रख देंगे। अगर इसका मान लिया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है तो हमको क्या ज्ञात करना, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी फार्मूले पर, इन्हीं दोनों फार्मूले पर आधारित है एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए थोड़ा सा फैक्टर के बारे में जानना है, थोड़ा सा इसमें जैसे हमने लिख दिया, कोई इक्वेशन लिख दिया नंबर एक, एग्जाम्पल बता रहे टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है इसका फैक्टर। तो द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ए इक्वल टू वन है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस
फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मिडिल टर्म क्या है, फाइव है, तो फाइव को दो पार्टों में तोड़ें तो लेकिन उसका गुणनफल किसके बराबर हो, सिक्स के बराबर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस थ्री हो गया, इसमें से टू कॉमन है तो एक्स प्लस थ्री हो गया इक्वल टू जीरो, दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो एक्स प्लस थ्री और दूसरा क्या हो गया, एक्स प्लस टू हो गया। तो इसका क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होगा या इसका गुणनखंड होगा तो क्या होगा, ये देखिए इसी तरह से इसको तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, पहला इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, टू इंटू थ्री करेंगे, ये किसके बराबर, टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स के इक्वल होगा, यहाँ पे सेवन है, अब सेवन का फैक्टर करें, हमको सिक्स आना चाहिए तो सिक्स इंटू वन आ जाए, सब प्लस है तो निगेटिव का कोई प्रश्न ही नहीं, इसको क्या करें ऐसे देखो, तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से टू एक्स कॉमन है, तो टू एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से थ्री बचा, ये चीज़ तो ये है ही है, तो इसमें से प्लस वन कॉमन ले लिया, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो हुआ एक्स प्लस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके शून्य क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इन दोनों को इक्वल जीरो रख दिया, तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, दूसरा क्या होगा, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इसके शून्य कितने हो गए, तो शून्य दो हुए, क्या क्या, माइनस थ्री माइनस वन बाई टू, वन बाई टू। अब देखिए एक्सरसाइज में अब हमको क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला क्या लिखा है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस सेवन बाई टू हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या लिखे हैं, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितना है, थ्री है, थ्री बाई टू हो गया। ये देखो दोनों को योग करेंगे तो यही चीज़ आएगा, दोनों का वैल्यू निकालेंगे तब भी यही होगा। अब जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करें, यहाँ पे कितना लिखा है, एट लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टू लिखा है, तो एट का फैक्टर क्या लिखते हैं, फोर इंटू टू, और फोर में से टू अगर माइनस कर देते हैं यहाँ पे देखिए तो क्या आना चाहिए, माइनस टू एक्स आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, इन दोनों से कॉमन ले लें, एक्स हो गया तो एक्स माइनस फोर हो गया, प्लस टू कॉमन ले लिया, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस टू दूसरे ब्रैकेट में, तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, फोर, फिर यहाँ आ जाइए, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो इसके शून्य क्या हुआ, शून्य क्या हुआ, शून्य हो गया पहला फोर और दूसरा क्या होगा, माइनस टू, ये इसके शून्य ज्ञात हो गया। आई बात समझ में, तो इसको पहले को क्या मान लिया, ये अल्फा मान लिया, और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, फोर माइनस टू इक्वल टू टू, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या है, फोर
माइनस टू इक्वल टू माइनस एट हो गया, ये हुआ। अब सूत्र के माध्यम से देख लीजिए क्या लिखें, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए, तो यहाँ पे क्या देखें, माइनस बी यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस टू अपान वन, यहाँ से हम चेक करते हैं तो क्या हुआ, टू हो गया। देखिए ये जो होगा इसी के बराबर होगा। दूसरा क्या लिखेंगे, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस एट अपान वन इक्वल टू माइनस एट। तो जो हमने शून्यकों का योग किया है वही फार्मूले पर भी आधारित है, अतः दोनों क्या है, आपस में बराबर है। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक सिर्फ इसी फार्मूले पर आधारित हैं। दूसरा चीज क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे में सब दिया हुआ है। पहला चीज क्या दिया हुआ है, कह रहा है द्विघात बहुपद बनाइए, द्विघात बहुपद बनाना है। अब जबकि दिया क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो पहला दिया है शून्यकों का योग, ठीक। और दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो अगर सपोज कर लें, अगर एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या है, एक्स माइनस बीटा, इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया। मात्र इसी फार्मूले का यूज करेंगे, जबकि इसके दो शून्य क्या दिया हुआ है, इसके दो शून्य के अल्फा दिया है और बीटा दिया हुआ। तो सारे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के सिर्फ इसी फार्मूले पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर पहला क्वेश्चन, पहले में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 1, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, यहाँ क्या लिखें, -1/4 एक्स प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है, -1 = 0। अब इसको सॉल्व करें, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, 4x² - x - 4 = 0। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी का दूसरे का नंबर 4 लिखा है, 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 होगा, तो द्विघात बहुपद फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 = 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 = 0, ये हो गया इसका आंसर। बस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है, जो पहला हमने बताया, पहला प्रश्न इसी पे आधारित है और दूसरा दूसरे पे आधारित है। इतना लगाइए एक्सरसाइज जो है, इसके बाद हम दे रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का
फोटो हम भेज रहे हैं और इस एक्सरसाइज को इतने ही पे करना है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगा, एक्सरसाइज 2.3। एक दिन में एक एक्सरसाइज पढ़ाना है। एक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत आप पूछ लें। ठीक, ओके।